अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल भुना गोश्त, जो कि बहुत ही मजेदार तैयार होता है। तो चलें ढाबा स्टाइल मटन गोश्त बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक मसाला तैयार करना है, जिसके लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून साबित धनिया, 1 टेबलस्पून साबित जीरा, 10 हरी इलायची, 10 लौंग, जावित्री का एक छोटा सा टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची एंड 2 दालचीनी के स्टिक्स। अब इन तमाम को मैं तवे पर ड्राई रोस्ट करूंगी। इसके साथ ही मैंने लिया है 14 साबित लाल मिर्चें। ये मिर्चें तीखी नहीं होती, ये सिर्फ रंग के लिए डाली जाती हैं। अगर आपको लगता है कि जो मिर्चें आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो तीखी है, तो आप मिर्चों की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। अब इन तमाम मसालों को हम तवे पर मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे, उस वक्त तक जब तक कि हमें हल्की सी खुशबू आने लगे। मसाले में से हल्की सी खुशबू आना शुरू हो गई है और मसाले का रंग भी हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम चूल्हा ऑफ कर देंगे। अब हम इस मसाले को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इस मसाले को ठंडा होने के बाद अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक पाउडर तैयार कर लेंगे। मसालों को मैंने ग्राइंड कर लिया है, बहुत ही खुशबूदार मसाला तैयार होता है। अब इस मसाले को हम एक साइड पर रख देंगे और भुना गोश्त बनाना शुरू करते हैं। एक प्रेशर कुकर में मैंने 1/2 कप ऑयल गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें 2 बड़े साइज़ की अनियन स्लाइस की हुई शामिल कर दूंगी। अब मीडियम फ्लेम पर मैं प्याज को फ्राई करूंगी हल्का लाल होने तक। प्याजों का रंग लाल हो चुका है। अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 किलो मटन लिया है बोन्स के साथ, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब हम गोश्त को प्याजों के साथ 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। जैसा आपके प्याजों का रंग होगा वैसे ही आपके भुने गोश्त का रंग आएगा। तो अगर आपको भुने गोश्त का रंग डार्क चाहिए तो आप प्याजों को ज़्यादा लाल करें, और अगर लाइट चाहिए तो आप प्याजों को कम लाल करें। गोश्त को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए भूना है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। ये 3 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें, ये 4 टेबलस्पून दही है, दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दोबारा 1 से 2 मिनट के लिए गोश्त को भूनेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। मिर्ची अगर आप कम खाते हैं तो उसकी क्वांटिटी को आप कम कर सकते हैं। दोबारा मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल इसलिए किया है कि गोश्त इसमें आसानी से गल जाता है और वक्त भी कम लगता है, लेकिन अगर आप चाहें तो पॉट या कढ़ाई में भी इसे तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 कप पानी शामिल करूँगी। पानी आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करें, जितना भी पानी आपके प्रेशर कुकर या पॉट में लगेगा गोश्त को गलाने के लिए उतना आप उसमें डाल दें। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अब मैं गोश्त को कवर करके उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। गोश्त को मीडियम फ्लेम पर पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल गया है। अब मैं प्रेशर कुकर का लिड ओपन कर लूँगी। अब मैं गोश्त को एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दूँगी। मैंने कढ़ाई में गोश्त इसलिए ट्रांसफ़र किया है कि कढ़ाई में गोश्त को भूनने में आसानी होगी और मसाला बहुत तेज़ी से भून जाएगा। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में ही बाकी का तमाम प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मैं फ्लेम को हाई कर दूंगी और जो एक्स्ट्रा पानी इसमें मौजूद है उसे सुखा लूंगी। गोश्त का तकरीबन पानी सूख चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें 1/2 कप टोमेटो प्यूरी शामिल करेंगे और ये जो मसाला हमने तैयार किया था गरम मसालों को भूनकर, इसे भी हम इसमें शामिल कर देंगे। 3 साबित हरी मिर्चें शामिल करेंगे, जिसको के बीच में से मैंने स्लिट कर लिया है। अब हम गोश्त की भुनाई करेंगे। फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम गोश्त को अच्छे से भूनेंगे।
गोश्त को भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। गोश्त का तमाम पानी ड्राई हो चुका है और तेल साइडों से नज़र आ रहा है। अब हमारा ढाबा स्टाइल भुना गोश्त बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार ये गोश्त तैयार होता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इस स्टेज पर हम फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे। हम इसे गार्निश करेंगे थोड़े से हरे धनिए से और चूल्हे को हम कर देंगे ऑफ। और भुना मसाला गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार है। जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का खूब ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।